तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और ये है अपनी प्यारी रोब्लॉक्स की दुनिया। और आज भाई लॉग ने मेरे को रोब्लॉक्स के अंदर चैलेंज देकर रखा है। उसने बोल कर रखा है कि जाओ आप अपनी मिलिट्री बनाओ, अपनी आर्मी बनाओ और हम उस आर्मी के साथ एकदम एंड में बहुत बड़ा वॉर करेंगे। और अभी से गाइस मैंने अपना फाइट मोड ऑन करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा मेरे सामने आएगा भाई मिट्टी में मिल जाएगा। भाई ये कितने सारे बंदे बेलचा लेके घूम रहे भाई मेरे सामने आने की कोशिश की, तो मैंने तुम लोगों का भर नहीं मारना था तूने। और लॉगे का बेस देखो कितना बड़ा हो चुका है। ओ माय गॉड, तो काम करता हूँ मुझे अपना फ्लाइट मोड ऑफ करना, क्योंकि यहाँ पर सारे मिलके मेरा हलवा भरता सब कुछ बना देंगे। फिर से आ गए भाई, ये क्या घटिया बेस आपने यहाँ पर बनाया। भाई मेरा बेस रेडी भी नहीं, और भाई साहब लॉग का बेस देखो ब्रो एकदम फ्यूचरिस्टिक बेस इसने बना कर रखा है। और ये रही गाइस लॉगी की आर्मी, भाई एक मशीन के अंदर से कितने बंदे निकल रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि जाना ध्यान रखना, वही मैंने पीछे देखा कि लॉगी के पास पेट भी है भाई, पीछे उसके बंदे माइनिंग कर रहे हैं। भाई लॉगी तू तो एकदम सुपर स्ट्रांग हो चुका है यहाँ पर। ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं है, आ जाओ मैं आपको अपनी सोर्ड की कलेक्शन दिखाता हूँ जल्दी। सोर्ड की कलेक्शन भी है क्या? ये देखो भाई मैंने कितने सारे वेपन यहाँ पर अनलॉक करके रखे। होली मोली भाई, मैंने अपना बेस शुरू भी नहीं किया। और इसके पास हीलो वाली सोर्ड है, एनर्जी सोर्ड। यो इसका फंडा मैंने गाइस सुना हुआ है भाई, मैंने सुना कि ये सोर्ड जिसको लगी वो बंदा वहीं पर ढेर। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम भी अपने बेस के ऊपर कड़ी मेहनत करेंगे और उसको ये गोबर बेस से एकदम मस्त वाला बनाकर रखेंगे। मैं आपको ये वाली सोर्ड दिखाता हूं भाई, लेजेंड कहता है कि अगर आप इसकी ओर घूरोगे तो आप मर जाओगे। फूफू पांडा के डायलॉग्स मेरे ऊपर मार रहा था। चलो गाइस ये रहा अपना बेस, सबसे पहले मुझे अपने बेस की बिल्डिंग शुरू करनी है क्योंकि मेरे को भी यहां पर क्लोन मशीन चाहिए। तो गाइस ये रही अपनी क्लोन मशीन, सबसे पहली क्लोन मशीन कहां चली गई, मैंने भी डाली यहां पर। तो ये रही अपनी क्लोन मशीन, लीजिए गाइस चौपाती गेमर के क्लोन्स भी यहां पर आ चुके हैं। तो गाइस फंडा इस गेम का बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमारे क्लोन्स जाएंगे मैदान के अंदर मार धाड़ कर। भाई मार गया, यो मार खा के कहीं मार खा के ना आ जाए यार, अपने क्लोन पे बदले मार गए। ये काम भाई मार गया ना तेरे को, अबे चाचू तलवार 12 इंच की तूने तलवार पकड़ कर रखी है लेकिन बंदा तेरे से एक नहीं मरता। मार दे, धो दे, धो दे भाई, लेट्स गो। और ये हमारे बंदे ने एक बंदा मार लिया। तो गाइस हमने देखा जैसे ही हमारे बंदे मारेंगे तो वैसे ही हमारे पैसे बढ़ते रहेंगे और कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी आर्मी पूरे सर्वर को टेक ओवर कर लेगी। चलिए गाइस मेरी क्लोन मशीन तो बन चुकी है और ये रही मेरी सोर्ड मशीन जहां से मैं जितनी मर्जी चाहे तलवारें यहां से निकाल सकता हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करके मेरे को बाय करनी है अपनी माइनिंग वाली मशीन। तो दीजिए गाइस मेरी अभी दो क्लोन मशीन हो चुकी है और हमारे सोल्जर्स एकदम सर्वर के अंदर एकदम दहशत फैला रहे हैं। जाओ मेरे शेरों जाओ, मार खा के ना जी, लास्ट टाइम भी तेरे बंदे मार खा के आगे थे। और ये रहा हमारा एक और क्लोन जिसकी जॉब है माइनिंग करके लेके आया। लेट्स गो, इस खान में से डायमंड लेके आइए। भाई दीवार माइन नहीं करनी मामा, पूरी दीवार टूट जाएगी। अबे कहां जा रहा है, यहां से माइनिंग शुरू करना, ये कहां घुस रहा है। अबे वहां पर दीवार खत्म हो चुकी है, तोड़ तोड़। लेट्स गो गाइस, क्या काम कर रहा अपना बंदा। तो आई थिंक गाइस ये हमें और देगा। और इसने मेरे को ऑलरेडी एक वाला और दे के रखा हुआ है और हम ये और यहां पर कहीं शॉप बनी हुई है वहां पर जाके स्पेंड कर सकते हैं जहां पर हमको मिलेंगी एक्स्ट्रा एबिलिटीज। और ये रही वो शॉप जहां पर हम ये और यूज करके एक्स्ट्रा एबिलिटीज दे सकते हैं। वेलकम टू द स्पेस बार। भाई यहाँ पर तो इन लोगों ने पूरा होटल खोद कर रखा हुआ है यहाँ पर। लेट्स गो। तो अगर मैं प्राइसेस वगैरह चेक करूं तो भैंस की कितना महंगा भाई, हेलो इतना महंगा कौन बेचता चीजें। और ये देखो गाइस यहाँ पर है नाइटमेयर पोशन, ग्रेविटी पोशन, और ये सिर्फ एक मिनट या आधा सेकंड के लिए चलेंगे। भाई लूटने का ये नया फंडा यहाँ पर। अभी गाइस टाइम आ चुका है बेबी क्लोन मशीन को बनाने का, लेट्स गो। तो गाइस मेरे पास तीन तीन क्लोन की मशीनें आ चुकी है, कम ऑन। जो ये देखो, हेलो मामू हेलो, बेबी क्लोन कहां जा रहा है भाई, तेरे को स्कूल जाना था पहले ट्रेनिंग करने के लिए। ये गधा बंदा जाएगा मर के आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम बेबी क्लोन के साथ में जाएंगे, उसका पूरा हाथ बटाएंगे। हमारे चार चार सेनापति भाई, चार चार बंदे जहां पर जाके एकदम से हमला कर रहे हैं। मारो लॉगे के बंदों को मारो, ये रहा भाई पीछे हो जाओ मेरे बंदों से। अरे अभी मैं आपके ऊपर एयर स्ट्राइक मारता हूं। भाई तेरे बंदे कितने स्ट्रांग है यार, तेरे पास एयर स्ट्राइक भी है। कोई बात नहीं लॉगी, अपना बेस एकदम बनने दे, तेरे को मैं बताता हूं। आ जाओ भाई चैलेंज है, तू सबर कर, तू मेरे को चैलेंज देगा। एक काम करते गाइस, यहां से अपनी खतरनाक वाली तलवार निकालो और अभी आ जा लॉगी तलवार लेके। एक मिनट भाई, किधर है तू? एक मिनट भाई, ये रहा मैं आपके सामने छलांगे मार रहा हूं। आ इधर आ, मेरे पीछे हूं मैं। एक मिनट भाई, मैं सबसे डिफॉल्ट तलवार लेकर आ रहा हूं। खतरनाक जो तलवार तेरे को लेके आनी है लेके आ जा भाई, आज तू बचेगा नहीं। किसी बंदे आ गए, हो है आ जा भाई, मेरे हाथ में आ चुकी है एनर्जी सोर्ड। नहीं, हेलो भाई, पकड़ो भाई, पकड़ो
फाइट मोड ऑफ कर दिया। अभी मेरे को मार के दिखाना। तो गाइस मैंने यहाँ पे फाइट मोड ऑफ करके रखा हुआ है, अभी मेरे के ऊपर हमला नहीं कर सकते। तलवार ले ले, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। गाइस एक काम करते हैं, हारना तो है यहाँ पर, क्यों ना हम मार धाड़ करके हारे। तो आ जाओ लगे, क्या बात है, तू मेरे से पंगे लेगा, मेरे से पंगे लेगा तू। अरे भाई मेरी शॉट के अंदर चार्जिंग नहीं था, एक और चार्ज लेकर आता हूं। तो गाइस हम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। और दूसरी बात मैंने अभी नोटिस की कि हमारा बेस कुछ ज्यादा ही ओपन है भाई, कोई भी एरा अगर नत्थू क्या बेस के अंदर घुस रहा है, तो हमें बेस को बिल्डअप करना है और थोड़ा बहुत सिक्योर भी करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे बेस की वॉल, और यहाँ से मुझे अपने लिए थोड़े बहुत वेपन वगैरह भी लेने पड़ेंगे। यहाँ से अपनी शॉट को उठाइए और आ जाओ भाई, अभी आगे बढ़ो, लेट्स गो। अभी सबके ऊपर ना खुद जाके हमला करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर जितना हमला मैंने किया उतने ज्यादा रोकड़ा मेरे को मिलेगा। आजा की तरह लगी, अपने बंदों को लेके तू आजा, बस अब मेरे बेस के पास आओ भाई, मेरा बेस देखकर ही मर जाओगे। ये दो दो बंदे आ चुके हैं, मार इसको भाई, हम तो पूरा तहलका मचा रहे हैं सर्वर के अंदर। ये रे लगी की सेना आ चुकी है, अरे मर गई लगी की सेना, नूबड़ी सेना। ओके अभी मैं आ रहा हूं भाई, अपना एक्स लेकर आ रहा हूं भाई, मर गया, खतरनाक हो रहा है गाइस। तो मुझे अपनी स्वॉर्ड अपग्रेड करनी पड़ेगी, तो मैं यहां से लूंगा कटाना, और साथ में मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो काम करते हैं मैं अपने जो है मिनियंस अपग्रेड करता हूं। तो हम यहां पर लेंगे ये इलेक्ट्रिक वाले मिनियंस। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे सेलेक्ट करना है अभी इलेक्ट्रिक। तो अबे गाइस हमारे बंदे इलेक्ट्रिक वाई फायर देंगे, सबको करंट देके मारेंगे। चलो गाइस आगे भाई, ओ तेरी हेलो, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज था ये वाला। तो भाई ये बंदे मेरे देख रहे हो कोट पैंट वाले भाई, अभी मेरे बंदे एफबीआई वाले बन चुके हैं। अभी देखियो ये देख, मेरे बंदे साले तलवार लेके चला जा। अच्छा ये मैं हूं भाई, ओ देख मेरे बंदों में से भाई फायर निकल रही, इलेक्ट्रिक चार्ज निकल रहा। लॉगी अभी मेरे बंदों से पंगा लेके दिखा भाई, तेरी चटनी बना देंगे वो। अरे भाई आप सिर्फ मेरी स्किन देखो भाई, ये देखो, मारो मारो, यही है, मैं मर गया भाई, मार क्यों नहीं रहा भाई। मैंने फाइट मोड ऑफ करके रखा है। डरपोक मतलब कि क्रिएटिव में खेल रहा तू, आज तेरे को बताता हूँ मैं। आजो मैं आपको हाथों से मारता हूँ, आगे बढ़ो। अरे भाई ओ हेलो, ये क्या लेके आ गया भाई, हेलो ये हवाई हमला कर रहा है, पकड़ो पकड़ो इसको भाई, बोली बोली। अबे यार तेरे को बताता हूँ, एरियल अटैक था देखा भाई, हवा से बंदे फेंक रहा है यार ये। तू कोई बात नहीं, तेरे को बताता हूँ, पूरा बदला मिलूंगा, तू टेंशन मत करिए तू। ओके लॉगी अभी आ जा भाई, भैया सबसे पहले थोड़ी बहुत चीजें मेरे को यहाँ पर अपडेट करनी है, और मेरा बेस एकदम थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लॉगी जितना मैं नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी गाइस मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपग्रेड करके रखी हुई है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे खतरनाक वाला वेपन लेना होगा, और उसके बाद गाइस ये जो लकड़ी वाली कटाना है ये कुछ ज्यादा नुकसान कर रही है, इसको मुझे यहाँ पर रखना होगा। इसके बदले में लेंगे हम ये खतरनाक वाले पिकैक्स। काम करता हूं मैं, किसी के ऊपर ट्राई करके लेके आता हूं। और ये लॉगी के मुस्टंडे बंदे कहां पर हैं भाई, आप मेरे बंदों को हाथों लगा के दिखाओ भाई, आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये। रहे को फिलहाल लॉगी के बंदों को नहीं छेड़ते, क्योंकि कुछ ज्यादा ओवर पावर हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये खतरनाक वाली एक्स टेस्ट करने, देखता हूँ क्या होता है। और भाई आते ही ढेर, लेट्स गो। और अभी मैंने गाइस यहाँ पर एक पेट बाय करके रखा है, तो मेरे पास है टाइगर। एक काम करते हैं टाइगर को लेके आते हैं, और फिर लॉगी के ऊपर पूरा हमला होगा आज। तो ये रहा मेरा पेट इनक्लोजर, क्या बात है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरे को देगा छोटा सा टाइगर, और इस टाइगर का हम नाम रखेंगे अज्जू भाई। अज्जू भाई लेट्स गो, अज्जू भाई आ जाइए यहाँ पर मेरे साथ, हमें लॉगी को चकमा देना है और उसको एकदम मजा चकाना है। कहाँ पर लॉगी, वो रहा जहाँ पर भाई मिसाइल की लगी है बेस के ऊपर। मेरा बेस कितना खतरनाक हो चुका है, मेरा बेस कितना लल्लू लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आजा लॉगी आ गया। एक मिनट अभी मैं अपनी पावर मारता हूँ। तेरे पास कौन सी पावर है, तेरे पास कोई पावर नहीं है भाई। अभी ये देखो भाई, ऊपर देख रहे हो ना चपाती भाई के ऊपर अटैक। होली शिट, ये तूने मारा क्या, ये मीटर अटैक। ओ माय गॉड, लॉगी के पास तो बेस एकदम खतरनाक वाला अपग्रेड हो चुका है यार, वो तो पूरा डिजास्टर कर रहा है यहाँ पर। तो भाई आप सबके बेस आज जाएंगे भाई, ये कितना डैमेज कर। ओके गाइस इससे पंगा लेना फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं इससे से बच के मैं उसके बेस तक जा भी नहीं पाऊंगा। गाइस वापस आओ, जो हमला मत करो उसके ऊपर। अभी तो भाई मुझे दूसरी पावर भी मार दी है जो मेरे बेस के ऊपर लगी हुई है। कौन सी पावर है उसके ऊपर, एक और आपको अभी दिखाता हूँ ना। वो लिटरली गाइस उसके बेस के ऊपर मिसल लगी हुई है। नहीं लगी मिसल, मिसल नहीं मारा, मिसल लॉन्च हो चुकी है। वो भी उसने न्यूक मार दिया हमारे ऊपर। ओ भाई गए रेडी हो ना भाई, ये मिसल सीधे आपके खोपड़ी के ऊपर लैंड करेगी। भाई मेरी खोपड़ी के ऊपर इतनी जगह नहीं है भाई, मैं इसको एम भी कर सकता हूं। ये तेरी मिसल है क्या, ये मेरी मिसल। ओके भाई अभी मेरे कंट्रोल के अंदर गया।
निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अगली वीडियो में मैं अपना बेस फुली अपग्रेड करके तेरे ऊपर हमला करूंगा। तो गाइस अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो लेट्स गेट 100,000 लाइक्स। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।